संकल्पों के बाद वाणी का भी हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे खाते के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कई बार कहते हैं अपने जीवन में कोई चोरी नहीं, लेकिन कर्म गति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज आवाज में बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है और किसी की नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये भी तो किसी की नींद की चोरी हुई। चोरी है या नहीं, चोरी के खाते में जाएगा कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान योग पढ़ाई मन को एकाग्र कर रहा है और हम तेज टीवी चलाते हैं, तेज कोई भी आवाज करते हैं, कई तरह की आवाजें हो सकती, उसका ध्यान भंग होता है, एकाग्रता डिस्टर्ब होती है, तो ये भी तो उसकी शांति की चोरी हुई। तो कर्मों की कुहे गति का अर्थ है कि हमारी किसी भी कर्म से अगर कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, उसका चैन छिनता है या उसको कोई और परेशानी होती है। हम देखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर लोग कितना जोर जोर से बोलते हैं, बिना बात बोलते हैं, बिना बात चिल्लाते हैं, तो वास्तव में ये भी कर्म के खाते में जाता है। जैसे मम्मा ने कहा कि चलते वक्त ध्यान रखो, ध्यान रखते हो अपनी सुरक्षा, तो ऐसे हर कर्म करते ध्यान कि मेरे से कोई भी कर्म ना हो जाए। महात्मा गांधी ने कहा आधुनिक युग के सात पाप, उन सात पापों में एक पाप है विवेकहीन आनंद। आनंद तो मिल रहा है लेकिन उसमें व्यक्ति अपने विवेक को प्रयोग नहीं करता। तो जिस आनंद में विवेक का प्रयोग ना हो उसको कैसा आनंद कहेंगे? पैशाचिक आनंद, राक्षसी आनंद। हमें तो आनंद मिल रहा है लेकिन उसके बदले में कईयों को दुख हो रहा है। और जब हम ऐसे आनंद का बीज बोते तो उस बीज का फल तो निकले। जैसे हम देखते हैं कि आजकल ट्रेन लेट हो जाती है, कईयों को तकलीफ होती है, कुछ तकनीकी कारण होते हैं लेकिन कुछ मानवीय कारण भी होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जगह एक नौजवान ट्रेन की चेन खींच करके और भाग गया। उसको कोई काम तो था नहीं, स्टेशन पे घूमता रहता था टाइम पास करने के लिए, फन के लिए, मजाक के लिए। अब जब चेन खींची तो ट्रेन खड़ी हो गई, पुलिस आ गई और स्टेशन के आसपास जो बड़े बड़े खेत थे उनमें वो नौजवान जाके छिप गए। अब पुलिस कहाँ ढूंढे, थोड़ी देर तो पीछा किया वो नहीं मिला। अब काफी देर ट्रेन खड़ी रहने के बाद दोबारा चली। अब उसमें जो स्टूडेंट बैठे थे उनका पेपर मिस हो गया, जो बीमार बैठे थे उनकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी वो लेट हो गई, और जिनको अगली ट्रेन पकड़नी थी उनकी अगली ट्रेन निकल गई। और भी कई लोग थे जिनका समय बर्बाद हुआ, तकलीफ हुई। अब कुछ समय के लिए तो उसको ये फन लगा लेकिन मान लीजिए जीवन में कभी उसके अपने साथ दुर्घटना घटती है या उसके अपने संबंधियों के साथ ऐसा कुछ होता है या अपने शरीर के साथ कुछ होता है, तो वो भगवान से फिर हिसाब पूछेगा कि भगवान मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं,
साथ ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसने किया था उसको तो वो करके भूल गए। उसने तो मजाक के लिए किया, खेल पार के लिए किया, लेकिन उस कर्म के पीछे का परिणाम उसने नहीं सोचा उस समय, और बाद में वो परिणाम जब उसके जीवन में आएगा तो वो सारा दोष किस पे लगाएगा? समाज पे लगाएगा, भगवान पे लगाएगा, दूसरों पे लगाएगा, लेकिन उसको ये याद नहीं रहेगा कि मेरे द्वारा कभी ऐसा कर्म हुआ था। तो व्यक्ति जब करता है तब भूल जाता है, और जब लंबे समय के बाद परिणाम आता है तो वो सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। लेकिन भगवान ने कहा है ये ब्राह्मण, इसकी तीन विशेषताएं, नंबर एक ये एक्यूरेट है, नंबर दो ये न्यायकारी है, और नंबर तीन ये कल्याणकारी। एक्यूरेट, इसमें कहते हैं राई लत्ती भर भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, और ये कल्याणकारी, इसमें दूध का दूध पानी का पानी है, ये न्यायकारी है। कुछ पलों के लिए कोई बात उनको अन्यायकारी या अकल्याणकारी लगती क्यों है? क्योंकि हम तत्कालदर्शी होकर किसी घटना को नहीं देखते, क्योंकि उनको किसी भी घटना के ना तो प्रारंभ का पता है और ना अंत का पता है। जैसे कोई एपिसोड होता है उसकी कई सारी किस्तें होती, अब किसी ने पहली नहीं देखी, दूसरी नहीं देखी, समझो 50 नहीं देखी, और 51वीं किस्त में वो देखता है कि किसी की संपत्ति छिन गई, तो वो सोचेगा कि छीनने वाला तो बड़ा दुराचारी, और जिसकी छिन गई बेचारा बड़ा अन्याय का शिकार हो रहा। लेकिन उसको ना तो पहली स्टोरी का पता है और ना आगे की स्टोरी का पता है, आगे क्या होने वाला है। जैसे महाभारत हम सब देखते हैं, महाभारत में घटना आती, मान लीजिए किसी ने केवल उसी घटना को देखा, आगे भी नहीं देखा पीछे भी नहीं देखा, कौन सी घटना? जब भीम के साथ दुर्योधन का युद्ध होता है तो भीम क्या करता है? दुर्योधन पे गदा से प्रहार करता है और दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब किसी ने केवल इतनी स्टोरी को देखा तो वो क्या सोचेगा? ना आगे देखा ना पीछे देखा तो वो क्या सोचेगा कि भीम ने दुर्योधन के साथ अन्याय किया, और वो यही कहेगा कि देखो भगवान तो अन्याय करने वालों को साथ देता है, क्योंकि वो पांडवों को साथ दे रहा है, और बेचारे दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ उसको तो भगवान ने देखा ही। अब हम भी अपनी 84 जन्मों की जो कहानी है उसमें एक जन्म को एक किस्त मान लेते हैं, 84 किस्तों से बना हुआ ये 5000 साल का ड्रामा, इसमें हम कितनी किस्तें देख पाते हैं? एक ही देख पाते हैं, उससे पिछली याद है क्या, और उससे आगे वाली का पता है क्या? तो जो व्यक्ति पिछली किस्त में अन्याय करके आया उसके साथ अगर इस किस्त में हम अन्याय होता देखते हैं तो हमें थोड़ी याद है कि करके आया उसका फल, और आज जो अन्याय कर रहा है उसको फल मिलेगा अगली किस्त में, तब हम देखने आएंगे, हमको याद रहेगा। इसलिए हमें दिखे या ना दिखे,
हम देखने के लिए बचे या ना बचे, लेकिन होता सब कुछ एक्यूरेट है, होता सब कुछ न्याय के अनुसार और होता सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए हम किसी पर भी उंगली ना उठाएं, किसी के बारे में भी ये ना सोचें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है।